स्लाइड पढ़ेंगे ईवीएस पे, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, इसका मतलब है एनिमल्स की दुनिया, जानवरों की जो दुनिया है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो देखो इसमें आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, तो पहले वो देखते हैं बुक से। देखो, वेयर सम एनिमल्स लिव, कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ए रेबिट इन ए बरो, ये जो खरगोश है वो एक बिल पे रहता है, मिट्टी में खड्डा खोद के उसको बोलेंगे बरो। आगे देखो, ए मंकी ऑन ए ट्री, मंकी कहाँ रहता है, पेड़ पर। डॉग इन ए कैनल, डॉग की एक फिक्स जगह रहती है, या तो मिट्टी में रहता है वो, इसके अलावा जो पेट एनिमल्स होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं, उनके लिए स्पेशल घर होता है कैनल। ए हॉर्स इन ए स्टेबल, हॉर्स के लिए जो अलग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल, जिसको अस्तबल भी बोलते हैं हिंदी में, अस्तबल। आगे देखो, बर्ड्स इन नेस्ट, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, घोंसले में, नेस्ट। ऐसे बीज, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती है, इन ए हाइव, एक छत्ते के अंदर। आगे देखो, आपको टॉपिक दे रखा है एनिमल हैबिटेट्स, एनिमल कहाँ रहते हैं उनके बारे में, हैबिटेट्स का मतलब वो कहाँ निवास करते हैं वो पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो प्रकृति ने जैसे जानवरों को बनाया है, कि कोई एनिमल सर्दी में रहते हैं, कोई गर्मी में रहते हैं, तो उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच, जिसमें एन एनिमल, कोई एनिमल लिव्स रहता है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कोई एनिमल रहता है, इस कॉल्ड, उसको बुलाएंगे इट्स हैबिटेट, उसका निवास स्थान, जहाँ पे वो रह सकता है, जिस सिचुएशन में वो उसका निवास होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ये होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं ना, मिट्टी में, उनके लिए बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आगे देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स लिव रहते हैं ऑन लैंड, जमीन पर, इन नेचुरल शेल्टर्स, इन फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल्स जमीन पर रहते हैं और जंगल में उनको क्या मिलते हैं, घर मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों पे वो घर बना के रहते हैं, तो नेचुरल शेल्टर मतलब जहाँ पे वो रहते हैं नेचुरल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए लॉयल, एक शेर लिव्स रहता है इन ए डैन, उसका जो रहने का स्थान है वो क्या है, डैन, लॉयल लिव्स इन ए डैन, इसको गुफा बोल सकते हैं कि शेर गुफा में रहता है। एंड ए फॉक्स और एक लॉन्डी लिव्स इन ए केव, वो भी अपनी एक गुफा में रहती है। इसने सांप लिव इन होल, सांप किसी छेद में रहते हैं, बिल में रहते हैं, वाइल, जबकि टर्माइट्स, कुछ छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, लिव इन अंडरग्राउंड कॉलोनीज, कीड़े मकोड़े, चींटियां वगैरह जो है वो अंडरग्राउंड मतलब जमीन में अपनी कॉलोनी, एक घर बना लेती है। तो ये सारे क्या रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इनको स्थलीय जीव बोलते हैं। ऑर्बोरियल एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादातर पेड़ पौधों पर रहते हैं, इनको बोलेंगे ऑर्बोरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट स्पेंड, एनिमल्स जो बिताते हैं ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय ऑन ट्रीज, पौधों पर, पेड़ों पर, ऐसे एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर समय पेड़ पर गुजारते हैं, लाइक जैसे मंकीज, बंदर पेड़ पर रहते हैं, एंड स्क्वायरल और गिलहरी वो भी पेड़ पर रहती है, आर कॉल्ड, उनको बुलाएंगे ऑर्बोरियल एनिमल्स, पेड़ पर रहने वाले को ऑर्बोरियल बोलेंगे। आगे देखो, एरियल एनिमल्स जो हवा में रहते हैं ना, आकाश में, उनको बोलते हैं एरियल एनिमल्स। एनिमल्स विच कैन फ्लाई, एनिमल्स जो उड़ सकते हैं, एंड स्पेंड और जो बिताते हैं ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय इन द एयर, हवा में, एनिमल्स जो उड़ सकते हैं और अपना ज़्यादातर समय आकाश में, आसमान में बिताते हैं, आर कॉल्ड, उनको बोलेंगे एरियल एनिमल्स। मोस्ट बर्ड्स, ज़्यादातर पक्षी एंड बर्ड्स और जो चमगादड़ है, आर एरियल एनिमल्स, वो एरियल एनिमल्स होते हैं। बहुत सारे पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं, बट एक वो जो पेंगुइन है, पेंगुइन भी पक्षी है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे मोस्ट बर्ड्स इसीलिए लिखा है, ऑल बर्ड्स नहीं लिखा, तो इनको बोलेंगे एरियल एनिमल्स, जो हवा में रहते हैं, आसमान में। एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक
वो भी पानी में रहते हैं तो इनको बोलेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। आगे दे रखा है एम्फीबियस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में दोनों में रह सकते हैं उनको बोलेंगे एम्फीबियस एनिमल्स। देखो एनिमल्स दैट कैन लिव, एनिमल जो रह सकते हैं बोथ दोनों पर और लैंड जमीन पर एंड इन वाटर पानी में, लैंड और वाटर दोनों में जो रह सकते हैं उनको बोलेंगे एम्फीबियस एनिमल्स। फ्रॉग्स एंड सेलेमोंडर्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच एनिमल्स। फ्रॉग मेंढक वगैरह जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं, किसके एम्फीबियस एनिमल्स के जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। शेल्टर्स बिल्ट बाय एनिमल्स, शेल्टर जो एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, शेल्टर रहने की जगह जो एनिमल्स बनाते हैं खुद से। बोरो बिल, बिल क्या है एनिमल्स खुद बना लेते हैं अपना। तो सब एनिमल्स लाइक फॉक्सेस, कुछ एनिमल्स जैसे फॉक्स रैबिट एंड ग्राउंड फॉक्स लिव अंडरग्राउंड इन बरोज। ये जो फॉक्स है रैबिट है वो अंडरग्राउंड मतलब जमीन में रहते हैं बिल बनाकर। विच दे डिग, जिसको वो खोदते हैं, डिग खोदना इन द ग्राउंड जमीन में, जिसको वो जमीन में खोद लेते हैं बिल को। आगे देखो नेस्ट घोंसला, डिफरेंट बर्ड अलग अलग पक्षी बिल बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट, अलग अलग प्रकार के घोंसले अलग अलग पक्षी जो है वो अलग अलग टाइप के घोंसले बनाते हैं। दे केयरफुली चूज, वे सावधानी से चूज करते हैं, ध्यान से चूज करते हैं ए प्लेस ऐसी जगह विच इज सेफ, जो उनके लिए सेफ हो सुरक्षित हो, टू हैच लटकाने के लिए देयर एग्स अपने अंडे, अपने अंडे देने के लिए या फिर घोंसला लटकाने के लिए उनको जो सेफ जगह मिलती है वहाँ पे वो अपना घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स लाइक टेलर बर्ड, अब ये एक चिड़िया है टेलर बर्ड, किंग फिशर एंड फूड पेकर, और फूड पेकर जो लकड़ी खाता है ना उसकी चोंच तीखी होती है लकड़ी में चोंच मारता है वो है फूड पेकर। ऐसे जो पक्षी है आर नॉन जाने जाते हैं फॉर देयर ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लेक्स नेस्ट। ये जो पक्षी देखते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, एक तो सुंदर घोंसला बनाने के लिए मतलब इनके जो घोंसले की शेप है वो अच्छी होती है एंड कॉम्प्लेक्स नेस्ट, उनका जो घोंसला होता है वो जटिल होता है मतलब उसकी जो शेप है वो भी यूनिक होती है। जैसे आपने देखा होगा एक पक्षी है वो अपना घोंसला उल्टा बनाता है, गोरैया का देखा होगा आपने वो अपना घोंसला उल्टा बनाते हैं, उसका घोंसला भी बहुत सुंदर होता है। तो ऐसे कुछ पक्षी अपने घोंसले के लिए भी जाने जाते हैं। हाइव, हाइव का मतलब होता है छत्ता, जैसे मक्खी जो छत्ता बनाती है रहने के लिए। बीज एंड वैक्स मेक वैक्स इनसाइड देयर बॉडीज, मक्खी और जो नर मक्खी होती है वो क्या बनाती है एक लिक्विड बनाती है जिसको वैक्स बोलते हैं इनसाइड देयर बॉडी अपनी बॉडी के अंदर। दे यूज द वैक्स, वे इस लिक्विड को यूज करते हैं टू बिल्ड बनाने के लिए होम्स, घर बनाने के लिए काम में लेते हैं कॉल्ड हाइव्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं छत्ते। ये छत्ते मधुमक्खी अपने लिक्विड से बनाती है। ए हाइव एक छत्ता इसे होम वो घर होता है फॉर ए होल कॉलोनी ऑफ बीज, जितनी भी मक्खियाँ होती है एक कॉलोनी की मतलब एक जगह जितनी भी मक्खियाँ रहती हैं उन सबका घर वो एक ही छत्ता होता है। एंथिल्स, एंथिल्स का मतलब होता है होल, मिट्टी में कोई छेद होता है उसको बोलते हैं एंथिल्स। होम्स ऑफ एंट्स चींटियाँ, चींटियों का जो घर है ऑफन लुक वो ज़्यादातर दिखाई देता है लाइक ए माउंट एक गड्ढे की तरह या फिर एक छेद की तरह ऑफ अर्थ मिट्टी में, मिट्टी में एक छेद की तरह दिखाई देता है चींटियों का घर, इसको बोल
कुछ ना कुछ तो खाती है दूसरे छोटे एनिमल्स को, तो एक तो वो इंसेक्ट होते हैं वो पकड़ लेती है वो अपने जाले में, और एक जैसे चिड़िया वगैरह है वो भी मकड़ी का जाला लेके, मकड़ी का जाला उठा के वो पेड़ पे रख देती है, फिर उसके अंदर तिनके फंसा के अपना घोंसला बनाती है। तो कुछ चिड़िया होती है वो भी मकड़ी का जाल यूज़ करती है अपना घोंसला बनाने के लिए। चैप्टर यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद में हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे।